हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे। गाइस तो गाइस फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो इसमें बात करेंगे अपन ह्यूमरस का एक्सरे करेंगे, उसमें नेक का एक्सरे किस तरह करते हैं अपा, क्या क्या टेक्निक्स रहती है, क्या क्या अपना प्रोटोकॉल्स वगैरह सब कुछ अपा इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना था कि आप रेडियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वीडियो को मिस ना कर सको। तो चलिए गाइस आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ह्यूमरस का नेक का व्यू किस तरह करते हैं अपा। तो सबसे पहले कुछ अपना जनरल बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर रेडियोग्राफी ऑफ नेक ऑफ ह्यूमरस इज सस्पेक्टेड फ्रैक्चर आइदर ट्रोमेटिकल और पैथोलॉजिकल। तो ये बात कह रहा है कि आप इस ये ह्यूमरस का नेक का एक्सरे क्यों करते हैं। सबसे मेन पॉइंट हो गया, एक तो फ्रैक्चर हो गया, वो फ्रैक्चर किस केस में हो रहा है, या फिर कोई एक्सीडेंट केस है, ट्रोमा हो गया, या फिर कोई पैथोलॉजी के कारण उसको कुछ फ्रैक्चर हुआ है, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, उस कारण क्या होता है वीक हो जाती है, तो उस कारण अपने क्या होता है ये बोन्स ब्रेक होना शुरू हो जाती है। तो चलिए गाइस अभी नेक्स्ट पॉइंट की ये बात कर रहा है कि टू प्रोजेक्शन ओ एट राइट एंगल आर नेसेसरी, एपी एक्जियल और लैटरल। तो इसमें क्या करते हैं अपन, एक तो एपी पोजिशनिंग करेंगे, एक एक्जियल और लैटरल, अपन तीनों को आप पढ़ लेंगे इन डिटेल। आपको अगर कोई डाउट है तो फ्रेंड्स कमेंट करके बता देना, मैं आपका डाउट को जल्द से जल्द शॉर्ट आउट कर दूंगा। इसके बाद ये एक बात कहता है, ये देखिए ये थोड़े से ध्यान से रखना, मूवमेंट में भी लिमिटेड एंड द टेक्निक में नीड टू मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू वेयर पॉसिबल द सपोर्टिंग स्लिंग में रिमूव्ड। तो ये बात कह रहा है अपने को मूवमेंट इसमें क्या होगी, लिमिटेड होगी, बिकॉज पेशेंट के इसमें शोल्डर में मान सकते हो ह्यूमरस यही हो गया ना, तो उस तरफ पेन ज़्यादा है, तो पेन के कारण क्या होगा, उसका मूवमेंट नहीं होगी नेक के कारण, बिकॉज किसका नहीं हो रही, क्योंकि उसके अंदर फ्रैक्चर है या फिर कोई और पैथोलॉजी है, फ्लूड फिल है, कोई कुछ भी रीजन हो सकता है, उस कारण से उसके अंदर मूवमेंट नहीं हो रही है। थोड़ी बहुत मूवमेंट हुई तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो इस केस में अपने क्या करना है, आप थोड़ा सा आप मॉडिफिकेशन कर लेंगे पेशेंट के अकॉर्डिंग, और अगर अपने को ये सपोर्टिंग स्लिंग जो गले में एक पट्टा लगा होता है अगर वो भी हटाना पड़े तो आप हटा सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। वो आपके केस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट किस तरह स्टेबल है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट द एग्जामिनेशन मे बी अंडरटेकन विद पेशेंट इरेक्ट, प्रोवाइडिंग एडुकेट इमोबिलाइजेशन इज यूज्ड सुपाइन ऑन द एक्सरे टेबल और इन केस ऑफ मल्टीपल ट्रॉमा ऑन ए ट्रॉली। तो ये बात ये कह रहा है, ये बात थोड़ी सी ध्यान से रखना, ये देखो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर आप पेशेंट इरेक्ट है मतलब खड़ा हो सकता है तो आप क्या करेंगे, इरेक्ट में करेंगे। वहीं अगर पेशेंट अपना खड़ा नहीं हो सकता, उस बक्की पर लेटा है, मतलब अपने जो बक्की पर उसके ऊपर लेट चुका है, तो उसमें अपन सुपाइन एक्सरे कर देंगे। और वहीं इन केस क्या होगा, कई बार ये मल्टीपल ट्रोमा ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह हो रही, फुल ज़्यादा एक्सीडेंट वाला केस है तो ज़्यादा उसमें ब्रोकन वगैरह, वो तो अपन स्कैन के बाद पता चलता है, लेकिन अपने को अंदाजा हो जाता है कि पेशेंट मूव कर सकता है कि नहीं। तो उस केस में क्या करेंगे, अपन जो उसकी जो ट्रॉली होगी ना, जो मूविंग वो अपनी होती है, तो उसी पर कर सकते हैं अपन, ठीक है, स्ट्रेचर बोलते हैं ना उसको, तो उस पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। ये अपने उस केस पर डिपेंड करता है कि कितना स्टेबल वो बंदा है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट कहते थे, एक्सपोजर इज मेड ऑन अरेस्टेड रेस्पिरेशन। तो अपने को ये थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना है, अरेस्टेड रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि सांस रुकवा के एक्सपोज करना है। अगर आप सांस रुकवा के एक्सपोज नहीं करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, ये चेस्ट रीजन में हो गया ना, लंग्स वाला रीजन है, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत अपने को हिलता उलता कुछ दिख जाएगा, मूवमेंट शो हो जाएगी, तो उसके कारण अपनी इमेज क्या होगी, सारी खराब हो जाएगी। तो इस केस में अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना कि पेशेंट कब सांस ले रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कब सांस उसका रुक चुका है। एक बार अपन लेते हैं, एक बार छोड़ते हैं ना, उस केस में अपने को अरेस्टेड होना चाहिए, मतलब रुका हुआ होना चाहिए सांस बिल्कुल। ये हो सकता है आप पेशेंट को बोल भी सकते हो कि एक बार आपको सांस रोकना है, एक लंबा सांस दे के सांस रोक सकते हो एक या दो सेकंड के लिए, और उसी एक दो सेकंड के लिए आपको एक्सपोज करना है गाइस। तो चलिए अपना सबसे पहला अगर पॉइंट की बात करें तो ये है एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, एपी व्यू किस तरह करते हैं, किसका, ह्यूमरस का एपी व्यू नेक का। बात करें पिछली वीडियो में सीखा था साफ्ट का, भी बात करें अपन नेक का एपी व्यू किस तरह करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है द पोजीशन ऑफ द पेशेंट एंड कैसेट। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ये देखिए, द पेशेंट स्टैंड्स और लाइज सुपाइन फेसिंग एक्सरे ट्यूब। पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट अगर इरेक्ट में खड़ा हो सकता है तो उसको क्या करना, पेशेंट को जो अपनी कैसेट होगी, तो पीछे जो खड़ा हो तो अपने वॉल बक्की होगी बोल सकते हो, चेस्ट बक्की या फिर वर्टिकल बक्की भी बोलते हैं, तो आप उसके सामने खड़ा कर देंगे पेशेंट को। अगर पेशेंट टेबल पे लेटा है तो उस पर क्या करेंगे, उसको सुवा लेटा देंगे, सुपाइन पोजिशन होगी उसकी परफेक्ट, ठीक है, मतलब उसका जो बैक होगी वो टच कर ही होगी अपनी टेबल बेड को, जो भी अपने जो यूज करते हैं आप बक्की उसको। इसके बाद करना है द पेशेंट इज रोटेटेड टुवर्ड द अफेक्टेड साइड टू ब्रिंग द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ इंजर्ड शोल्डर इनटू कांटेक्ट विद कैसेट। तो अपने थोड़ा सा पेशेंट को इस तरह मूवमेंट देनी है कि उसका जो अफेक्टेड शोल्डर है, जो बोल सकते हो अफेक्टेड साइड है, उसको क्या करना है, कैसेट के बिल्कुल टच में आनी चाहिए, ठीक है। इतना होने के बाद ये क्या करेंगे, द कैसेट इज पोजिशन टू इंक्लूड एक्रोमियन प्रोसेस प्रोक्सिमल ऑफ द ह्यूमरस। इसमें क्या करना है, अपने को कैसेट इस तरह लगानी कि अपने को एक्रोमियन प्रोसेस भी दिखे और अपना जो प्रोक्सिमल हाफ ऑफ द ह्यूमरस, मतलब अपनी आधी से ज़्यादा अपनी ह्यूमरस दिखनी चाहिए, ऊपर वाला रीजन और एक्रोमियन प्रोसेस से लेकर शोल्डर से लेकर इतना अपना पार्ट दिखना चाहिए। तो इस केस में आप क्या करेंगे गाइस, आप कैसेट थोड़ी सी
कैसे पेशेंट के लगा शोल्डर से थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, जिससे अपने शोल्डर अपने को पूरा परफेक्ट दिखना चाहिए, और उसी शोल्डर में अपने को जो उमरस का नेक का व्यू है वो परफेक्ट दिखेगा। अगर अपन चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट आता है सेंटरिंग की, तो अपन सेंटरिंग कहाँ करते हैं और डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन क्या होगी अब किस केस में करें, अगर स्टैंडिंग में तो अपने स्टैंडिंग की तरफ डायरेक्शन होगी, अगर पेशेंट लेटा है तो सुपाइन वाली पोजीशन तो उसमें ये होगी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी उसकी। उसके बाद सेंटरिंग कहाँ करेंगे, तो अपने को ह्यूमरस पे सेंटरिंग करनी है गाइस, बिल्कुल उसके हेड के ऊपर जम्मा सेंटरिंग होगी, ये चीज़ ध्यान रखना, उसके हेड पे सेंटरिंग करनी है अपने को। अगर कोलिमेशन की जरूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है गाइस। अगर फैक्टर की बात करें तो आपका 20-60 पे परफेक्ट आ जाएगा एक्सरे, कोई दिक्कत ही नहीं है, और बाकी आपकी मशीन पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी मशीन पर काम कर रहे हो। उसके बाद कह रहा है इमेज के करेक्टर्स क्या होंगे, तो अपने को इमेज में क्या क्या दिखना चाहिए, द इमेज शुड इंक्लूड एक्रोमियन प्रोसेस प्रोक्सिमल हाफ ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। तो इसमें यह बात कह रहा है कि अपने ह्यूमरस का प्रोक्सिमल पार्ट दिखना चाहिए, मतलब ऊपर वाला पार्ट दिखना चाहिए, और एक्रोमियम प्रोसेस दिखनी चाहिए। तो उसके साथ साथ अपने को ये क्लेविकल वगैरह दिख जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ये अपने को दिखना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट कहता है शोल्डर ये एक्सपोजर शुड डेमोन्स्ट्रेट एडुकेट द नेक ऑफ द ह्यूमरस क्लियर टू द थोरेक्स। ये बात कह रहा है कि अपने को थोड़ा सा एक्सपोजर अपन बात कर चुके हैं, ये आपकी मशीन पे भी डिपेंड करता है, बाकी अगर बात करें तो 20-60 परफेक्ट रहता है गाइज, मेरे अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी आपकी मशीन पे जो जिस तरह आपका एक्सपोजर वैल्यू है कितनी MMS कौन सी मशीन पे काम करे उस चीज़ पे थोड़ा सा आप चेक कर लेना, आप सीनियर से डिस्कशन करके ये कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स कहता है, ये सबसे पहले पॉइंट ये कहता है, अब हम बात कर चुके हैं एक्सपोजर शुड बी मेड ऑन अरेस्टेड रेस्पिरेशन, मतलब अपने को सांस रुकवा के पेशेंट का एक्सपोज लेना है। इस केस में क्या होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो अपने को जो शोल्डर है जो ह्यूमरस का नेक है वो परफेक्ट दिख जाएगा, अगर कुछ में फ्रैक्चर वगैरह हुआ तो सारा परफेक्ट दिखेगा। उसके बाद कहते हैं द पेशेंट शुड इमोबिलाइज द अफेक्टेड फोरआर्म सपोर्टिंग इट्स वेट विद द आर्म एंड इफ द पेशेंट सुपाइन एशियन बैग शुड बी प्लेस्ड ओवर द फोरआर्म। तो ये बात कह रहा है कि अगर अपने पास पेशेंट सुपाइन है तो अपने पास अगर सैंड बैग पड़ा तो उसके फोर आर्म पे रख देंगे, जिससे कोई मूवमेंट ना हो, एपी की बात कर रहे हैं आप, ठीक। और अगर पेशेंट शुड अगर कोई अफेक्टेड साइड है उसको आप थोड़ा बहुत अगर सपोर्ट भी कर सकते हैं, अगर इन केस अपने को सपोर्ट करना पड़े तो, ठीक है गाइस। अपने को कैसेट पीछे की तरफ लगानी है और शोल्डर के बिल्कुल पीछे लगा देंगे, जिससे क्या होगा अपनी ह्यूमरस का ऊपर वाला पार्ट दिखना चाहिए, और शोल्डर से थोड़ी सी ऊपर ले लेंगे कैसेट। तो अगर आप थोड़ी सी इसमें थ्योरी के पॉइंट की बात करें तो ये सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, ये देखिए ये है इसमें एनाटॉमिकल नेक, इसका आप एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है। अगर थोड़ी सी थ्योरी और एक्स्ट्रा पढ़ें तो इसमें ये अपने ह्यूमरस का हेड हो गया, ये अपनी एनाटॉमिकल नेक होगी, ये फिर सर्जिकल नेक जो आपने पिछले जो वीडियो तैयार की थी उसमें थी, ठीक है। एनाटॉमिकल नेक या सर्जिकल नेक बोल सकते हैं, तो इस रीजन का अपने को एक्सपोज लेना है, ये हो गया। इसमें एक्सरे अपने को यहाँ से ऊपर ऊपर का दिखना चाहिए गाइज। उसके बाद ये होगी मिडिल और एपिकोंडाइल से दोनों बराबर हो रही है ना, तो आप कई बार इस वीडियो में बात करते हैं, तो ये है वो मिडिल और एपिकोंडाइल, ये कैपिटलम हो गया और ये ट्रोनचला हो गया, तो ये कुछ इसकी थ्योरी हो गई। और अपने को अगर पोजीशनिंग की बात करें तो ये देखिएगा, जब अपने कैसेट के सामने कुछ इस तरह पेशेंट को खड़ा करना वर्टिकल बकी में, और सेंटरिंग कर लेनी है यहाँ शोल्डर पर के ऊपर, बिल्कुल इस शोल्डर के इस पॉइंट पर, ठीक है गाइज। यही अगर आप सुपाइन की बात करें तो सुपाइन में भी यही सेम पोजीशन होगी, इस शोल्डर वाले इसी पॉइंट पर, जैसे आप इसमें एक्सपोज करेंगे तो ये अपने को एक्सपोज कुछ इस तरह का दिखेगा, ये देखिए। लेकिन इसके अंदर क्या, ये सर्जिकल नेक में फ्रैक्चर है, ये ब्रोक हो चुकी है ना, तो इस तरह की कोई ट्रोमेटिक केस होगी तो वो देखने के लिए आप ये व्यू करते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आप रेडियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वीडियो को मिस ना कर सको।